गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। तो एक जायंट कैसे सेल्फिश हो जाता है और बाद में कैसे वो अपना दिल को बदलता है और फिर सबके लिए हंसी खुशी से रहने लगते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो एक गांव था, तो गांव में क्या हुआ करता था, एक जायंट रहा करता था। जायंट का मतलब है राक्षस। तो एक राक्षस रहता था, तो क्या हुआ, उसका एक बड़ा सा कैस्टल था। कैस्टल का मतलब है दुर्ग, जहाँ पे राजा महाराजा रहते हैं, कैस्टल था। तो कैस्टल के अंदर एक बड़ा सा बगीचा था, गार्डन था, जो गार्डन में बहुत सारे वैरायटीज के फ्लावर्स थे, फ्रूट्स का पेड़ थे। तो बच्चे वहाँ पे जाके खेलना पसंद करते थे। तो कब खेलते थे वो, जब दोपहर को बच्चों की स्कूल छुट्टी हो जाता था तो वो घर लौटते थे। घर लौटते वक्त वो उस गार्डन में जाते थे और कुछ खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। तो जैसे कि मैं बोला था, गार्डन बहुत बड़ा था और वहाँ पे सॉफ्ट कोमल घास का चादर बिछाया गया था। देयर वॉज ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड पीची ट्री इन द गार्डन। वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के फ्लावर्स के पेड़ थे और बहुत सारे फ्रूट्स के भी पेड़ थे। The birds sang on the tree and the children listened to them in delight. और क्या होता था, चिड़िया उस पेड़ पे बैठ के गाना गाती थी और जो जितने भी बच्चे हैं वो delightly शांत से उस गाना को सुना करते थे। What are you doing here? When delight. One day the giant came back. He had gone to visit his friend and stay with him for 7 years. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो जायंट था वो एक दिन अपने कैस्टल में वापस लौट आया। तो वो कहाँ पे गया था, He had gone to visit his friend and stay with him for 7 years. तो वो अपना एक दोस्त के पास चला गया था घूमने के लिए और वहाँ पे अपने दोस्त के साथ करीब 7 years, 7 साल अपने दोस्त के साथ वहाँ पे वो गुजारे थे, अपने दोस्त के साथ रहता था वो। When he came, he saw the children playing in his garden. तो जब वो 7 साल के बाद अपने गांव में लौटा, अपने घर में लौटा, तो उसने जब देखा कि बच्चे उसके गार्डन में घुस गए हैं और वहां पे खेल रहे हैं। What are you doing here? तो वो पूछने लगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? He cried in a gruff voice. तो वो रूखा आवाज, गुस्से से जो आवाज हमारा निकलता है उसको बोलते हैं gruff voice, रूखा जो आवाज निकलता है गुस्से से। तो वो भी ऐसे गुस्से से आवाज निकाला। द स्केयर्ड चिल्ड्रेन जस्ट रैन अवे। तो बच्चे बहुत डर गए कि जायंट आ गया, अभी हमको मार डालेगा बोल के। तो वो वहां से दौड़ के इधर उधर चले गए। माई गार्डन इज ओनली माइन, सेड द जायंट, एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और वो क्या बोलने लगा जायंट, यहाँ पे किसी की भी आने का इजाजत नहीं है, ये गार्डन सिर्फ मेरा है और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ मैं ही इधर आ सकता हूँ, सिवाय मेरे छोड़ के और कोई भी इस गार्डन में अलाउ नहीं हो सकता बोल के वो चिल्लाने लगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, Trespassers will be prosecuted. इसका मतलब क्या है, तो वो अपने जो गार्डन था, गार्डन के चारों तरफ एक बड़ा सा वॉल लगा लिया
जैसे कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चारों तरफ वॉल देते हैं कि नहीं, घर के चारों तरफ दीवार देते हैं, तो वैसे जो जियांग था अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, अपने गार्डन के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बना लिया और वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा लिया कि कोई भी विजिटर्स या कोई भी पैसेंजर इस गार्डन में अलाउ नहीं हो सकता बोल के, वहाँ पे एक उसने एक नोटिस बोर्ड लगा लिया। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, और वो कैसे हो गया, एक अहंकारी जायंट बन गया। सेल्फिश का मतलब जो हमेशा अपने के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, उनको बोला जाता है सेल्फिश। द पोर चिल्ड्रेन हैड नो हुएर टू प्ले, दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। तो जब जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जियांग ने अपने गार्डन के चारों तरफ बड़ा सा वॉल दे दिया है और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है कि कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं हो सकता, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो और क्या कर सकते हैं, दीवार कूद के, तो बड़ा सा दीवार है, दीवार कूद के तो और नहीं जा सकते गार्डन के अंदर खेलने के लिए, तो वो उनके पास और खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, खेलने के लिए एक नया सा जगह ढूंढ लिया है उन लोगों ने। तो वो कौन सा जगह था, रास्ते के ऊपर, मेन रोड के ऊपर वो लोग खेलने लगे। मगर मेन रोड सेफ्टी है क्या खेलने के लिए, नहीं है सेफ्टी, एक तो ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा रहता है, दूसरा दौड़ मेन रोड वॉच वेरी डस्टी, और वो जो मेन रोड था उनका मेन रोड था बहुत डस्टी था, डस्टी का मतलब बहुत धूल मिट्टी गिरा हुआ था। दे वांडरेड अराउंड द हाइट वॉल एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। तो वो क्या करते थे, वो छोटे छोटे बच्चे वो बड़े से दीवार के तरफ घूमने के लिए जाते थे और वो पिछले टाइम कैसे करके गार्डन के अंदर खेलते थे उसके बारे में वो बात करते थे कि कितना अच्छा कितना सुंदर एक गार्डन है अंदर है बोल के वो लोग बात करते थे, मगर वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। देन केम द स्प्रिंग एंड ऑल ओवर द कंट्री दे आर वेयर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बार ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट ईच वॉल स्टिल विंटर। तो क्या होता है, विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, हम सबको पता है विंटर के बाद आता है स्प्रिंग सीजन, जो कि किंग बोला जाता है सीजन्स के, स्प्रिंग सीजन को। तो क्या होता है स्प्रिंग सीजन में, हमारे जितने भी विंटर सीजन में जितने भी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो वो सारा पत्ता स्प्रिंग सीजन में उगने लगता है और वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स वो भी ब्लूसम होने लगता है, ब्लूसम का मतलब खिलने लगता है। तो क्या हुआ, जब स्प्रिंग सीजन आ गया तो हमारे चारों तरफ जो भी उनका शहर था, शहर के चारों तरफ हरियाली छा गई, नया नया फूल खिलने लगे, वेराइटीज ऑफ बार्ड्स आके उनमें बैठने लगे, वहाँ पे गाना गाने लगे, तो चारों तरफ स्प्रिंग सीजन छा गया था। मगर क्या हुआ था, जो सेल्फिश जियांट का जो गार्डन था सिर्फ उसके गार्डन के अंदर अभी भी विंटर सीजन ही चल रहा था, विंटर सीजन का मतलब जाड़ का मौसम, शीत का मौसम, वहाँ पे ठंड का मौसम अभी भी चल रहा था, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन नहीं आया था, ना ही कोई चिड़िया वहाँ पे जाता था उसके गार्डन में, ना ही नया नया फूल खिले थे, वो जैसा का वैसा ही था गार्डन। द बार्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एस देयर वेयर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और क्या हुआ था, जो कि चिड़िया भी थे शहर के इधर उधर बैठ के सब डाली में गाना गाते थे पेड़ के, मगर वो कभी भी सेल्फिश जियांट का जो गार्डन था उसके अंदर जाके गाना कभी भी नहीं गाए, पेड़ पौधे जितने भी थे अपने आप में फूल खिलाना या नया फ्रूट्स लाना सब भूल गए थे, वो भूल गए थे उस गार्डन के पेड़ पौधे की कोई विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन भी आता है बोल के, वो सब भूल गए थे।
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जियांट। तो जब वो देखा सेल्फिश जियांट कि शहर के चारों तरफ हरियाली है और सिर्फ उसका गार्डन ही हरियाली नहीं है, तो वो सोच रहा है कि कैसे स्प्रिंग सीजन आना अभी लेट हो गया है, इतना ज़्यादा देर तो कभी नहीं होता, स्प्रिंग सीजन आने में इतना लेट क्यों लग रहा है, बोल के वो अपने आप में क्वेश्चन, अपने आप में सवाल वो पूछ रहा है। एज ही सैट एट द विंडो ऑफ हिज कैस्टल एंड लुक आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, तो वो क्या हुआ, जो अपना जो दुर्ग था, जो कैस्टल था उसका, कैस्टल के एक कोने में एक खिड़की लगाया था उसने, तो उस खिड़की के पास वो बैठ गया और अपने गार्डन के तरफ वो देखने लगा, जो कि विंटर से, ठंड के मौसम से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, जब ठंड गिरता है तो कैसा दिखता है, चारों तरफ कोहरा दिखता है, तो वैसे भी उसका गार्डन भी कोहरा दिख रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन वेदर, तो वो क्या सोच रहा था, शायद मौसम में कोई चेंजेस आ गया हो इसलिए स्प्रिंग सीजन आने में देरी लग रहा है, बोल के वो सोच रहा है। बट स्प्रिंग नेवर कैम नॉर डिड समर, मगर स्प्रिंग जब तक नहीं आएगा तब तक समर सीजन भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्प्रिंग सीजन के बाद ही समर सीजन का एंट्री होता है। बट स्प्रिंग नेवर कैम नॉर डिड समर, इसका मतलब स्प्रिंग नहीं, समर सीजन नहीं आ सकता स्प्रिंग सीजन के पहले, पहले आएगा स्प्रिंग उसके बाद आएगा समर। तो अब देखो ये तो हमारा कहानी का मेन चला गया, थीम क्या था उस कहानी का, अभी क्या पढ़ेंगे, इस कहानी का क्लाइमैक्स पढ़ेंगे, क्लाइमैक्स का मतलब इसका एंड पढ़ेंगे, इसका समाप्ति का चैप्टर पढ़ेंगे, तो कैसे कहानी खत्म हुआ है। इसका दो ठो एंडिंग पॉइंट दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि एंड ए और एंड बी बोल के दिया गया है। तो पहले पढ़ते हैं एंड ए। तो पहले पार्ट में कहानी कैसे खत्म होता है देखो। वन मॉर्निंग जियांट ओक ऑफ टू द स्ट्रेंस ऑफ लवली म्यूजिक, तो क्या हुआ, एक दिन वो जियांट अपने नींद से उठ गया था सुबह और सुंदर गाना का लुत्फ उठा रहा था। इट वॉज ए लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और वो संगीत कहाँ से आ रहा था, एक छोटा सा पंछी उसके विंडो के बाहर ही बैठ के गाना गा रहा था। ए प्लीजेंट परफ्यूम केम टू हिम होपिंग दैट स्प्रिंग हैड कम एट लीस्ट, द जियांट जंप आउट द बेड एंड लुक्ड आउट, और क्या हो रहा था, जो फूलों का धीमा धीमा जो खुशबू होता है वो भी उसके नाक में आने लगा, तो वो सोचा कि अरे क्या हुआ, स्प्रिंग सीजन आ गया क्या मेरे गार्डन में, बोल के वो जल्दी से धड़पड़ा के उठा और किसके तरफ दौड़ा, खिड़की के तरफ दौड़ा देखने के लिए। देयर ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, और उसको एक क्या दिखा, एक सुंदर सा नजारा दिखा, वो नजारा क्या था, थ्रोज ए होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रीप्ड इन एंड दे वेयर प्लेइंग ऑन द ट्रीज, तो क्या हुआ था, उसने जो गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉल लगाया था, वॉल में क्या हुआ, एक बड़ा सा होल हो गया था, और उस होल से क्या कर रहे थे बच्चे, उस होल में चढ़ के उसके गार्डन के अंदर आ गए थे और गार्डन में ट्रीज से खेल रहे थे, ट्रीज के ऊपर चढ़ रहे थे, ट्रीज के साथ खेल रहे थे। द ट्रीज वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रेन बैक अगेन डेट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम, तो क्या हो गया, जब वो बच्चे आ गए थे तो पेड़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उस गार्डन में जितने भी सारे ट्रीज थे, पौधे थे, वो सारे खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चे फिर से उनके पास लौट आए हैं खेलने के लिए, बोल के वो बहुत खुश हो गए थे। और अपने आप में स्प्रिंग सीजन में जैसे बदलाव आता है, जैसे ब्लूसम करते हैं, जैसे उनमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, वैसे वो लोग भी अपने आप में फूल खिलाए थे, पत्ते उगाए थे और अपने आप को हरियाली कर लिए थे।
द बर्ड्स वेर चिरपिंग विथ डिलाइट एंड द फ्लावर वेर लुकिंग अप थ्रॉज द गार्डन ग्रास एंड लाफिंग। तो क्या हुआ था, जो जितने भी बार्ड थे वो सब उस गार्डन के तरफ आने लगे, उस गार्डन में बैठने लगे, उस पेड़ के डाली में बैठ के गाना गाने लगे। द फ्लावर्स वर लुकिंग ऑफ थ्रोज द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। तो जितने भी फूल थे वो सब खिलने लगे, ऐसे लगा कि जैसे ग्रीन गार्डन में वो सब हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। इट वॉज ए लवली सीन। और वो कैसा सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था, सुंदर सीन था। एच द जियंट लुक्ड आउट हिज हार्ट मेल्टेड। तो क्या हुआ, जब वो ये नज़ारा देखा कि बच्चे उसके गार्डन के अंदर आ गए हैं, खेल रहे हैं, और इसके बावजूद बच्चों के लिए ही जितने भी पेड़ थे वो सब फिर से खिल उठे हैं, ये देख के जो जियांट था, जो राक्षस था, उसका हार्ट कैसा हो गया, घुल गया, मेल्टेड हो गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। और वो क्या बोल रहा है कि मैं कितना सेल्फिश था, मैं कितना निर्दयी था। ही सेड, वो बोल रहा है कि मैं कितना सेल्फिश था, मैं कितना निर्दयी था, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, बोल के वो अपने आप को कोस रहा है। नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर। और वो क्या बोल रहा है, अब मेरे को पता चला कि स्प्रिंग सीजन मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था। आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और वो क्या बोलने लगा कि मैं अपने गार्डन के चारों तरफ जो दीवार लगाया था, जो कि वॉल दिया था, उस वॉल को मैं तोड़ दूंगा, और ये मेरा गार्डन, जो कि मेरा गार्डन है, ये बच्चों के लिए खेलने की जगह बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर, ये बच्चों की प्लेग्राउंड बन जाएगा फॉर एवर एंड एवर के लिए, वो बोल रहा है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर डैट ही हैड डॉन। और उसने जो काम किया था, क्या काम किया था, जो वॉल लगा लिया था, जो अपने गार्डन के चारों तरफ जो वॉल लगा लिया था, उसके लिए वो हमेशा के लिए शर्मिंदा हो रहा है, बोल के यहाँ पे बोला गया है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी, वो उसके लिए, उस काम के लिए शर्मिंदा हो रहा है। सो ही क्रीप्ड डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट इन टू द गार्डन। और क्या हुआ, उसने अपने जो कैस्टल में था, कैस्टल के ऊपर रहता था वो फर्स्ट फ्लोर में, तो वो नीचे के फ्लोर में, स्टेयर फ्लोर में आ गया और चुपके से अपना मेन दरवाजा को खोल दिया, मेन दरवाजा को खोल दिया और फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट इन टू द गार्डन। और जब वो दरवाजा खोल लिया तो चुपचाप, किसी को जैसे पता ना चले, वो वैसे गार्डन के तरफ जाने लगा। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वेयर सो फ्राइटेंड डेट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। इसका मतलब क्या है, जैसे ही बच्चों ने देख लिया कि जियांट उनके तरफ गार्डन के अंदर आ रहा है, तो वो डर से इधर उधर भागने लगे, और जैसे वो बच्चे सब गार्डन से चले गए, वैसे फिर से विंटर आ गया उसके गार्डन में। देर ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। इसका मतलब है, जब वो बच्चे आ के खेल रहे थे तब तक वहाँ पे स्प्रिंग सीजन चल रहा था, पेड़ भी बहुत खुश थे, मगर क्या हुआ, जैसे ही बच्चे जियांट को देखे कि उनको तरफ वो आ रहा है, उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे बच्चे वहाँ से चले गए, और बच्चों की जाते ही उसके गार्डन में फिर से स्प्रिंग सीजन चला गया और विंटर सीजन आ गया। बच्चों की आते ही विंटर सीजन चला जाता था और स्प्रिंग सीजन आता था, और बच्चों के चले जाने से स्प्रिंग सीजन भी चला जाता था और फिर से ठंड का मौसम या विंटर सीजन वहां पे आ जाता था। ही वॉज नॉट एबल टू रन सो ही स्टार्टेड क्राइंग। द जायंट जेंटली पिक्ड हिम अप एंड टुक हिम इन हिज आर्म। तो क्या हुआ, जब वो देखे कि
जैन तो उनके तरफ आ रहा है। सारे बच्चे तो इधर उधर भागने लगे और वो बड़े बड़े थे तो वो होल से निकल गए। मगर क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था जो कि अभी भी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो नीचे नहीं उतर पाया तो वो रह गया था। और जब जैसे वो जैन को देखा, वो जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। जब वो रोने लगा तो क्या हुआ, ज्यांट धीरे धीरे उसके पास गया और उसको ऐसे अपने दोनों हाथों में उठा के अपने गोदी में पकड़ लिया, उसको टू हिम इन हिज आर्म्स, तो अपने हाथों में वो पकड़ लिया। फिर आगे पढ़ते हैं, द लिटिल बॉय स्क्रेचेड आउट हिज आर्म एंड फ्लोंग देम अराउंड द ज्यांट्स नेक एंड किस्ड हिम। When the other children saw the giant was not wicked longer, they became running with them care spring। इसका मतलब क्या है, जब वो जियांट उसको गोदी में उठा लिया और धीरे धीरे अपने नेक के पास ले गया और उसको प्यार करने लगा, उसको गर्दन के पास किस्ट करने लगा, किस्ट ही किस करने लगा, तो दूर से वो बच्चे उसको देख रहे थे कि जियांट क्या खा जाएगा क्या उस बच्चे को बोल के। मगर जियांट ऐसा नहीं किया, जो राक्षस था वैसे नहीं किया, और उसने बहुत सारा प्यार किया उस बच्चे को। तो वो बाकी जो बच्चे गार्डन से भाग गए थे, वो लोग भी ये देख के सोचने लगे कि नहीं, जियांट अभी और विक्ट, विक्ट का मतलब दुष्ट, और दुष्ट नहीं है वो, बदल गया है, तो हम भी उसके पास जाना चाहिए बोल के वो फिर से जैन के पास उसके गार्डन में दौड़ते हुए चले आए। रनिंग एंड विथ देम कैम स्प्रिंग। और जैसे ही बच्चों ने एंट्री लिया, उसके गार्डन में एंट्री लिया, तो उनके साथ स्प्रिंग का सीजन भी, स्प्रिंग का मौसम भी गार्डन में एंट्री ले लिया। इट इज योर ओन गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जियांट। और वो राक्षस क्या बोलने लगा, बच्चों अभी से ये गार्डन तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा गार्डन है। ही टू के ग्रेट हैमर एंड नॉक डाउन द वॉल। और वो जेंट ने क्या किया, एक बड़ा सा हैमर लिया, एक बड़ा सा हथौड़ा लिया, और हथौड़े के सहायता से वो जितना भी गार्डन के चारों तरफ वॉल दिया था, सारे वॉल को वो तोड़ दिया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉच ओवर द चिल्ड्रन कैम एंड प्ले विद द जेंट्स। तो जब हर रोज आफ्टरनून को, आफ्टरनून का मतलब दोपहर को, जब भी स्कूल हमेशा हर रोज छुट्टी होता था, तो वो बच्चे कहाँ पे जाते थे, जियांट के गार्डन के अंदर चले जाते थे और जियांट के साथ खेलने लगते थे। एज द जियांट वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग ही कूड से, और जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता था, वो खुद बोलने लगता था, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे बहुत सारे फूल्स हैं, मेरे फूल्स बोल रहा हूँ सॉरी, आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत वैरायटी के फूल हैं, बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। मगर मेरे गार्डन में तो बहुत सारे, बहुत वैरायटीज के, बहुत कलर के फूल हैं, मगर ये जो बच्चे हैं, ये द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, ये सबसे सुंदर है, ये जो बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे गार्डन से भी, जितने फूल हैं उनसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है बोल के वो बोल रहा है। तो ये हमारा एंड ए हो गया। अब पढ़ेंगे हम एंड बी, तो दूसरे हिस्से, दूसरे साइड से या दूसरे नजरिए से, और कैसे करके ये चैप्टर का एंडिंग हो सकता था, वैसे हम पढ़ेंगे एंड बी में। देखो, इट वॉज विंटर इन द जियांट्स गार्डन। तो ये तो एक भाग खत्म हो गया। अब दूसरा भाग, दूसरा और कैसे, और एक नया मेथड से कैसे करके ये चैप्टर खत्म हो सकता था, इसके बारे में है। तो देखो, इट वॉज विंटर इन द गार्डन। तो अभी तक भी जियांट के गार्डन में विंटर सीजन चल रहा था। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, इट सॉ द नोटिस बोर्ड, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन डेट
it slipped back into the ground again and went off to sleep. तो क्या हुआ, तो उसके गार्डन में क्या हुआ था, एक ब्यूटीफुल फ्लावर उगना शुरू हुआ था, जमीन से ऐसे धीरे धीरे करके वो पेड़ के साथ उग रहा था। तो जैसे ही उसने जमीन से अपना हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसका नजर पड़ गया वो नोटिस बोर्ड पे। नोटिस बोर्ड पे लिखा था कि कोई भी इस गार्डन में अलाउ नहीं है। जैसे ही उसने वो नोटिस बोर्ड को पढ़ लिया तो वैसे ही वो क्या कर लिया, अपने आप को, चिल्ड्रेन आर स्लिप्ड बैक इन द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ स्लीप। और वो क्या हो गया, जब जैसे ही वो नोटिस बोर्ड को पढ़ लिया कि यहाँ पे बच्चों का आना मना है, बाकी सबका आना मना है, तो वैसे वो भी उसके अंदर जमीन के अंदर वापस चला गया और फिर से वो सो गया, वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो जमीन के अंदर चला गया और वापस से सो गया। कौन सो गया, वो पौधा, छोटा सा पौधा फ्लावर्स का, ठीक है। द स्नो एंड द फॉरेस्ट वेयर वेरी प्लीजेड, जो स्नो था और जो फॉरेस्ट था वेयर वेरी प्लीजेड, प्लीजेड का मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था, वहाँ पे जो बर्फ गिरा था, जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ज़्यादा प्लीजेड हो गए थे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन सो वी लाइव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो क्या हुआ कि वो बोल रहे थे कि स्प्रिंग तो आना तुम्हारे गार्डन में भूल गया है, तो इसलिए हम साल के सालों साल हर महीना हम यहाँ पे ही रहेंगे। कौन बोल रहा था, स्नो बोल रहा था, किसको, वो पेड़ पौधे को बोल रहे थे। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। दे इन्वाइटेड द क्लाउ कोल्ड नॉर्थ विंड टू से विथ देम एंड इट कैम। द हेल ऑल्सो कैम ऑन ए विजिट एवरी डे फॉर 3 hours। He rattled on the rope of the castle till he broke most of slates. तो क्या हुआ? They invite the cold north wind to stay with them and it came. तो जितने भी वो स्नो थे उन्होंने किसको बुला लिया, नॉर्थ कोल्ड विंड को बुला लिया, कोल्ड नॉर्थ विंड को बुला लिया, और ज्यादा ठंडी नॉर्थ विंड को बुला लिया, जो कि आ भी गया और उनके साथ रहने लगा। The hail also came on a visit every day for 3 hours. He rattled on the rope. तो क्या करता था वो, तो वो क्या करता था, वो जैंट एवरी डे, अपने हर रोज अपने छत के ऊपर वो चला जाता था। छत के ऊपर जाने के बाद वो क्या करता था, अपने कैस्टल के चारों तरफ वो घूमने लगता था और सोचने लगता था कि अभी तक कैसे स्प्रिंग सीजन मेरे गार्डन में एंट्री नहीं लिया है, अभी भी यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, बोल के वो सोचता रहता था। एटम केम टू एवरी गार्डन बट नॉट टू द जायंट्स गार्डन। एटम सीजन क्या हुआ था, शहर के चारों तरफ आ गया था मगर जायंट के गार्डन को छोड़ दिया था। ही इज टू सेल्फिश सी सैड। तो क्या हुआ, वो क्या सोचने लगा कि मैं कितना अहंकारी हूँ, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना निर्दयी हूँ, बोल के वो सोच रहा था। कौन सोच रहा था, जैन सोच रहा था, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश बन गया था और गार्डन में सबका एंट्री को वो बंद कर लिया था इसलिए। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ वाइंड द हेल द फॉरेस्ट एंड द स्नो डेंस अबाउट थॉट द ट्रीज। और वो क्या बोलने लगा, और इसी वजह से अभी तक भी विंटर मेरे गार्डन से नहीं गया है, इसीलिए विंटर मेरे गार्डन में ही रुक गया है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसीलिए यहाँ पे विंटर मेरे गार्डन में रुक गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निर्दयी हूँ, बोल के। एंड द नॉर्थ वाइंड, और जो नॉर्थ से जो हवा आता था ठंड हवा, द हेल द फॉरेस्ट एंड द स्नो डेंस अबाउट थॉज द ट्रीज।
और इसीलिए जितने भी स्नो है, जितने भी बर्फ है, जो नॉर्थ हवा है, वो खेल रहे हैं पेड़ों के साथ, क्योंकि पेड़ में अभी भी बर्फ सब लटक रहा था। जब कोल्ड एरिया में क्या होता था, जब बर्फ गिरता है तो वो बर्फ क्या होता है, पेड़ के डाली में ही लग के रह जाता है और कुछ नीचे गिरता है, और जो नहीं गिर पाता वो पेड़ में ही चिपक के रह जाता है। तो वहां पे भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्नो पेड़ में चिपक के रह गए हैं। तो जब तक वो बर्फ नहीं हटेगा वो पेड़ भी ब्लॉसम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो बोल रहा है बहुत सारे बर्फ, नॉर्दर्न हवा क्या कर रहे हैं, मेरे पेड़ के ऊपर ही डैम्स कर रहे हैं। योर्स वेंट बाय द जियंट ग्रीव वेरी ओल्ड एंड फेयरली। तो क्या हुआ, समय बढ़ने के साथ साथ जियंट भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और दुर्बल हो गया। बट द विंटर सीजन कंटिन्यूड, और फिर भी वहां पे विंटर सीजन कंटिन्यूड था। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोचने की थोड़ी सी बात है। एंड ए में क्या हुआ था, बच्चों ने जब एंट्री लिए थे गार्डन में, तब विंटर सीजन चला गया और स्प्रिंग सीजन आ गया और चारों तरफ हरियाली छा गया। तो ये देख के क्या किया था उस गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जियांट ने एक बड़ा सा हैमर लिया था और चारों तरफ जितने भी दीवार लगाया था सारा दीवार तोड़ दिया था और बोला था कि बच्चों ये गार्डन आज से तुम्हारा हो गया है, तुम जब भी आके यहाँ पे खेल सकते हो। और वो सारे बच्चे वहाँ पे आके खेल रहे थे। ये तो हमारा पहला पार्ट में गया, पहला एंड में। मगर दूसरे एंड में एक दिया है, दूसरे एंड में दिया है कि वो दीवार को जियांट ने कभी भी नहीं हटाया था और दीवार को वैसे ही रहने दिया, और उसके गार्डन में अभी भी विंटर सीजन ही चल रहा है और वो जेंट क्या हो गया है, धीरे धीरे करके बूढ़ा हो गया है। एंड ए में क्या हुआ है, वो बच्चों को आने के लिए देता है और दीवार को तोड़ देता है। मगर एंड बी में क्या होता है, वो दीवार को तोड़ता ही नहीं है और बच्चों को आने नहीं देता, जिसलिए कि अभी भी उसके गार्डन में विंटर सीजन ही चल रहा है। तो इस दोनों एंड में से आपको कौन सा एंड पसंद में आया, एंड ए बच्चों को आने देता है और चारों तरफ हरियाली खिल जाता है, या एंड बी जो कि बच्चों को अभी भी आने के लिए नहीं देता है और वहां पे अभी भी विंटर सीजन चल रहा है। तो आप मेरे को बताना कौन सा एंड आपको पसंद में आया। और स्टूडेंट्स, कहाँ पे चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ठीक है, फिर भी एक बार वीडियो को देखने के लिए ट्राई करना और चैप्टर को समझने के लिए ट्राई करना। अगर कहाँ पे समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज करके बोल देना कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप मेरे को समझा दो बोल के, तो मैं तुम लोगों को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, बाय।